राम भक्त हनुमान सुंदरकांड परिवार द्वारा शनिवार को 15वां वार्षिक उत्सव राम हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। इसमें विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली गई। यह यात्रा हरमाड़ा माचेड़ा से प्रारंभ होकर कॉलोनियों से गुजरती हुई आयोजन स्थल नींदड़ मोड़ मैरिज गार्डन में पहुंची। यात्रा में महिलाएं अपने हाथों में श्री राम के ध्वज लेकर चल रही थी। इसी दरमियान यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प बरसा कर उनका स्वागत किया। वहीं महिला और पुरुष डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं ध्वज यात्रा में वीर हनुमान और शिव शंकर भोलेनाथ की अलौकिक झांकी भी सजाई गई। जानकारी के अनुसार राम भक्त हनुमान सुंदरकांड परिवार के संरक्षक ओम जी महाराज ने बताया कि 15वां वार्षिक उत्सव राम हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जहाँ विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई, वहीं शनिवार से रामायण पाठ प्रारंभ होगा। इसके बाद सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संतों के प्रवचन और राम दरबार महाआरती होगी। इस दौरान रविवार को विशाल सुंदरकांड पाठ 25-51 दीपों से महाआरती और दवाई वितरण किया जाएगा। वहीं विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन भी होगा। इस मौके पर श्री रामचंद्र कांड समिति के अध्यक्ष विष्णु पारेख, कोषाध्यक्ष ओम जी खांडल, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जांगड़, सचिव तारा चंद कुमावत सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे।